नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आपको कार की जो क्लच प्लेट होती है तो उसको चेक करने के दो तरीके बताऊंगा। तो जो पहला तरीका है तो उसमें जो कार है तो वो किसी भी गियर में आप जैसे ड्राइव कर रहे हो तो आपने उसमें ये जो एक्सीलेटर है तो उसको दबा के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। और जो क्लच है तो उसको आपने ऐसे प्रेस करना है। और जो दूसरा तरीका है तो उसमें ये जो आरपीएम होती है तो उसको हम देखेंगे कि वो जो गाड़ी की स्पीड है तो वो आरपीएम के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जैसे कि आरपीएम ज़्यादा हो और स्पीड कम हो तो इसको हम नोटिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला तरीका है तो उसमें मैं जैसे कार को सेकंड गियर में ड्राइव कर रहा हूँ तो जितनी मैंने इसका एक्सीलेटर दबाया हुआ है तो वो मैं उतना ही रखूँगा प्रेस करके, और जो एक्सीलेटर है तो उसको छोड़ना नहीं है। और साथ में जो क्लच है तो मैं उसको प्रेस करूँगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने क्लच को प्रेस कर दिया है तो आप देख रहे हैं कि इसकी आरपीएम बढ़ गई है। तो अब मैं क्लच को छोड़ दूँगा तो आप देख सकते हैं कि आरपीएम वापस उसी उतनी ही हो गई है जितनी पहले थी। तो क्लच को रिलीज करने के साथ ही जो आरपीएम है तो वो जितनी पहले थी तो उतनी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लच प्लेट है तो वो घिस चुकी है। तो जो दूसरा तरीका है तो उसमें जैसे जो कार की आरपीएम है तो वो बहुत ज़्यादा है पर जो रेस है गाड़ी की स्पीड है तो वो कम है। तो ये भी एक निशानी होती है क्लच प्लेट के ख़राब होने की। तो जैसे आपकी जो गाड़ी है तो उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई है पर जो उसकी स्पीड है तो वो कम है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट है तो वो घिसी हुई है। तो ऐसे में जो आरपीएम होगी तो वो बहुत ज़्यादा हाई होगी पर जो स्पीड है तो वो कम होगी और जो इंजन है तो वो नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा होगा। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।